हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जो है सीटेट 2023 दिसंबर का डेट आ चुका है। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। बीएड स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन है कि उनको कौन सा फॉर्म भरना है, अपियरिंग वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। देखो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देना तो बहुत ही जरूरी है, जस्ट लाइक कंपल्सरी है। तो मॉक टेस्ट के लिए हम लोग जो है इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आज कि आप किस तरह से मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री में दे सकते हो। तो इसके लिए आपको सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने डाउनलोड किया है तो हम डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं। ओपन जैसे ही आप इसमें करोगे, सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट योर जर्नी करना है, लॉग इन करना है। कोई भी आप आईडी से अपना लॉग इन कर सकते हैं, हमने ये प्रोसेस मैं करके दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद यहाँ से आपको टेस्ट अपना सिलेक्ट करना है। तो हमने देखो लो, आप सीजेट पेपर वन सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप लोग के एग्जामिनेशन में आने के फुल चांसेस रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो आप दोनों तरीके से जो है इसको लेकर के कर सकते हो। देखो, पहले 3 महीने जो है ये बिल्कुल फ्री रहेगा। यहाँ पे ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये कोड आपको डालना है, तो 3 महीने तक आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। पूरी तरीके से सीटेट की तैयारी आपको करने को मिलेगा। पेपर वन पेपर टू दोनों का जो है आप लोग को टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी जाकर डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। चलो, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, और खास करके बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला चला है उसके बाद से बीएड स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन कुछ ज्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड और डीएलएड अपियरिंग रहेंगे कि नहीं, सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि मैम हम तो बीएड फर्स्ट ईयर में है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? हम बीएड सेकेंड ईयर में है, हम फॉर्म भर सकते हैं? हमने एडमिशन लिया है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुन लो एकदम एक ही बार में। जिन लोगों ने टीटीसी यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, जेबीटी हो, जिस भी नाम से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है, आपने उसमें एडमिशन सिर्फ ले लिया है, याद रखना, सिर्फ अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया है यानी कि आपका एनरोलमेंट उसमें हो गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपको एडमिशन लिए हुए 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, 1 महीना हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि बीएड फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो तो आप फॉर्म भर पाओगे। एकदम क्लियर कट क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यही आ जाएगा कि मैम हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल, जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया है बीएड में, डीएलएड में, जेबीटी में, वो लोग फॉर्म को भरेंगे। एकदम ये छूट जो है आपको मिल चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन है, बीएड स्टूडेंट्स पेपर वन भरेंगे या पेपर टू? जैसे कि आप जान रहे हो कि अभी जो मामला चल रहा है उसके अनुसार बीएड को 1 to 5 से हटा दिया गया है, तो पेपर वन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पेपर वन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए किया जाता है और 1 to 5 में बीएड को एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। तो बीएड स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ जो है पेपर टू का फॉर्म भरेंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार और उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है? एकदम समझ के चलना। हाँ, आप लोग इसमें पैसा भी बोल रहे हो कि जब हम एक पेपर दे रहे हैं तो 1000 क्यों दे और 2 पेपर का 1200 हो रहा है, तो ये एक अलग मुद्दा है। नेक्स्ट है कि एग्जाम का डेट क्या आया है, तो 21 जनवरी का जो है एग्जाम का टाइम दिया गया है, फुल आपके पास टाइमिंग है। ऑनलाइन ऑनलाइन आप लोगों का जो है ये एग्जाम नहीं हो रहा है, जिस तरह से अब ऑफलाइन ये एग्जाम लिया जा रहा है, ऑफलाइन में ये एग्जाम होगा जिस तरह से पिछली बार हुआ है, ठीक है? और एक ही दिन एग्जाम है, संडे के दिन, और ये आप लोगों का ऑफलाइन होगा। ओएमआर सीट पे जैसे एग्जाम हुआ है पिछली बार, वैसा ही होगा। फॉर्म फिल करने का डेट जो दिया गया है 3 नवंबर से दिया गया है, 3 नवंबर से लेकर के जो है आप लोग 23 नवंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। देखो, फॉर्म भरने के टाइम में ना आप लोग थोड़ा केयरलेस हो जाते हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे और फिर बोलोगे करेक्शन डेट के लिए। तो इस बार सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि करेक्शन डेट में, करेक्शन का डेट दे तो दिया है, लेकिन इसमें करेक्शन हो रहा है या नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि वो डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे फिर। तो आप लोग एक ही बार में जो है फॉर्म सही से भरना, सिटी स्पेशली सही से भरना, क्योंकि सिटी आपका चेंज नहीं होगा। आज अगर आपने जो है मथुरा डाला है तो कल को आपको मथुरा ही मिलेगा, वो आपको करेक्शन डेट में जो है अवेलेबल नहीं रहेगा चेंज करने को, ठीक है? करेक्शन डेट का टाइमिंग भी बता दिया गया है आप लोगों को। देखो, जो भी चीजें आपको दी जाएंगी
वो आप लोग को ये सोच करके चलना है कि हमें इसी बीच में कर लेना है, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है आपको नहीं मांगना है। तो 28 नवंबर से जो है आपका करेक्शन डेट रहेगा, 2-3 दिन का जो है करेक्शन डेट आपको देता है, उसी में आपका करेक्शन करना है। ये हो गया। और सारे क्वेश्चन हैं सिटी चेंज को लेकर के, मैं पहले ही बता दे रही हूँ सिटी चेंज करेक्शन में नहीं होगा, तो मिस्टेक नहीं करना है। लैंग्वेज को लेकर के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लैंग्वेज भर देते हैं, और गलत लैंग्वेज भर देते हैं उसका रिजल्ट भी उनको देखने को मिलता है। तो देखो लैंग्वेज वन में क्या होता है, लैंग्वेज वन अगर लैंग्वेज टू में हम कंपेयर करें तो लैंग्वेज वन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो दो पैसेजेस आते हैं उसमें एक पैसेज जो है आपका स्टोरी और एक पैसेज पोयम का रहेगा। पोयम वाला अगर आप इंग्लिश आपका माइंड ब्लोइंग है, लिटरेचर में पोएट्री आपका बहुत अच्छा है, तो फिर आपको हम लोग बोलेंगे कि आप पेपर वन में इंग्लिश डालो। अदरवाइज हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि पेपर वन में जो है आप हिंदी डालिए, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो भी, क्योंकि एक कविता रहेगा पैसेज में और एक स्टोरी रहेगा, और लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश डालिए, संस्कृत डालिए, जो भी आपका है उर्दू डालिए, वो उसके अनुसार देख लीजिए। तो ये लैंग्वेज को लेकर के आप लोग का कंफ्यूजन रहता है, उसको आप बिल्कुल दूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन आता है कि निगेटिव मार्किंग और ये सब, तो सब जानते हो कि सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क्स के लिए अगर मैं बात करूं कि पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, तो सिंपल है भाई, पासिंग मार्क्स के लिए जनरल कैटेगरी का 90 चाहिए, एकदम याद रख लेना, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 90 चाहिए, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी बच्चों के लिए 82 चाहिए। अब इसके अलावा कोई भी पासिंग मार्क्स को लेकर के नहीं है, और यही आपको जो है करना है, ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, स्पेशली अगर आप यूपी के बच्चे हो तो, क्योंकि यूपी में इस बार बताया गया था कि सीटेट का मार्क्स भी ऐड किया जाएगा आपके मेरिट में, जो जब आप जॉब जब वैकेंसी आएगी उस समय जब मेरिट बनेगा, तो आप लोग को अपना एकदम बेस्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इससे रिलेटेड अभी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का जो है आंसर किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।